आप सबके दिल की जान, मैं और इमरान खान। तो आज फाइनली भाई बकरीद का सीजन चल रहा है, ईद का सीजन चल रहा है, तो आज हमें दावत दी है आसिम सन्नाटा ने। ये आसिम भाई, अस्सलाम कैसे ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। भाई क्या बना रहे आसिम भाई? ये मैंने बनाया रोस्ट। रोस्ट? हाँ। ओहो, ये तैयार हो रहा है, बनेगा ऐसा, आप बताएंगे अपने व्लॉग में कि बहुत अच्छा बना। अच्छा, ये हो गया भाई रोस्ट। ये देखिए, ये बना रहे हैं आसिम सन्नाटा साहब। ये बन रहा है कटाकट। इसके बाद क्या है? इसके बाद कटाकट मौजूद है। तैमूर भाई भी मौजूद है इस पार्टी में, रेडी है कटाकट खाने के लिए। मैं तो समझ लो बस अभी भूखा हूँ, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लग रही है। हमारे साथ मौजूद है न्यू टैलेंट के अहमद। हमारे साथ मौजूद है नमान भाई। ये नमान भाई कैसे हो? सुबह से साथ हो, फिर पूछ रहे हो कैसे हो भाई? आज सुबह से पहली बात तो हम आपको ब्लॉग में नहीं बताना, ब्लॉग में नहीं बताना, शूट पे निकले हुए। अभी हम अलग से, अभी अभी अलग से आए हुए, यही चल रहा है। आसिम भाई बना रहे हैं कटाकट और रोस्ट। सुबह से भूख लग रही है, सुबह से भूख लग रही है, कुछ खाया? एक बंदा कम है। कौन? जुबैर छोटू आ रहे हैं रास्ते में, उनको कॉल कर दिया, वो भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है रेडियो पर, बिल्कुल तैयार रोस्टेड के लिए, तैयार तैयार। नमक का पानी पी लिया? बिल्कुल तैयार है आसिम भाई की। आपका खाना हमें वैसे भी पसंद है। वाह वाह, और आज कुछ स्पेशल है। स्पेशल है तो भाई आ जाए फिर आसिम भाई के पास, चलते हैं देखते हैं क्या बना रहे हैं। भाई बहुत भारी हूँ मैं। वाह 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 भाई, वाह आसिम भाई वाह। अच्छा मैं चला सकता हूँ? आप चलाएं चलाएं, बिल्कुल। कोई मसाला नहीं? कोई मसाला नहीं, सिर्फ ये काली मिर्च मैंने पीसी है, दिखाएं ये डाली है मैंने काली मिर्च इसके अंदर, कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊँ खवातीन हज़रात, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। आ हा हा, जरा करीब से दिखाएं। आ हा हा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई। ये तैयार है, बस आप लोगों के इंतजार में। कटाकट अभी एक मिनट में हो जाएगी तैयार। कटाकट एक मिनट में हो जाएगी भाई। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप पूरी टीम के साथ आए हो ना, ठीक है, पूरी टीम उंगलियां चाटेगी मेरी, आपकी? हाँ मेरी, खाने के बाद। ये खाने के बाद मेरी उंगलियां चाटने आएगी, खाने के बाद उंगलियां चाटेंगे भाई हम लोग। ये अपनी नहीं चाटेंगे दोस्तों। अच्छा आपकी? ये मेरी उंगलियां चाटेंगे भाई। देख ले आसिम भाई ने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया। आसिम भाई देख लो। हाँ भाई सही है, तो खैर आप ये इंशाल्लाह ताला देखिएगा, आप उंगलियां चाटेंगे भाई। डन हो गया, अब कटाकट दिखाते हैं आपको कैसे। ये जल गया चूल्हा। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत स्पेशल ऑयल है। जो खुशबू होगी ना रिजवान भाई जी, क्या सुन आप इसकी खुशबू, आप अभी दीवाने हो जाएंगे दो मिनट बाद। जो कटाकट बना रहा हूँ इसके अंदर मैं सिर्फ काली मिर्ची और नमक का इस्तेमाल करूंगा और दो चीजें और करूंगा, ठीक है ना? तो इसमें और कोई फालतू चीज नहीं डालनी है। कटाकट का सामान ये मैंने डाल दिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों नमक डाल लें, हल्दी जायका। वाह भाई वाह, ये नमक आ गया भाई, नमक डल गया। कुछ कमाल होने वाला है, कुछ कमाल होने वाला है। ये आ गई काली मिर्च, ये देखिए आप, ये डलिए काली मिर्च। वाह भाई वाह वाह भाई वाह। लहसुन अदरक, ये मैं भूल जाता आसिम भाई, प्रॉपर आप तो शेफ हो यार। इसके अंदर आसिम भाई ने डाला है नमक, काली मिर्च पिसी हुई और लहसुन अदरक। अब क्या डालेगा? अभी दो चीजें और डालेंगे, दो चीजें और डालेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। अबे यार इतनी भूख लगी हुई है आसिम भाई, कब होगा तैयार? कितनी देर लगेगी भाई? लगेगा टाइम, लगेगा यार। दो बंदे बैठे हैं, एक बड़ा शेफ है, छोटा शेफ है, लेकिन फिर भी इतना टाइम लगा भाई। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं घड़ी आ रहा हूँ, मैं तो चला गया घर। पब्लिक को दिखाओ भाई, ये देखें ये पानी जमा हो गया भाई, आप लोग कहीं गए, आप सबको मिलेगा, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। यार देर तो बताओ, क्यों देर लग गई? किसने बुलाया? देर क्यों लगी भाई? पराठे बन लेते हैं। दो चीजें और डाल ली, दो चीजें और डाल ली है भाई, पानी सूख चुका है। आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना इस्तेमाल करा कि थोड़ा ही रह गया। ये जिसे कहते हैं सिरका, सही है, व्हाइट सिरका है ये। व्हाइट सिरका डाल दिया भाई आसिम भाई। अच्छा दोस्तों ये है सॉस, सॉस, ये सॉस से थोड़ा हल्दी जायका डाल लिया करें आप इसके अंदर, सही है दोस्तों? कुछ एंटीक बन रहा है भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा आसिम भाई अभी क्या बना रहे हैं, ये जब खाएंगे तो फिर पता लगेगा। बाकी ये है कि भाई आसिम भाई जो है सफाई का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखते हैं, मैंने खुद देखा आसिम भाई, जो सच बात है कि एक चीज भी जो है फौरन कपड़ा मार रहे हैं जहाँ पे भी कुछ हो रहा है, वो ये बहुत प्लस पॉइंट है। एक तो पहले इतनी गर्मी होती है यहाँ पे किचन में, जो बात है एक चूल्हा चल रहा है, हो गया क्या? हाँ बस थोड़ी देर लगेगी, ये पूरा खुश्क होने। वाह भाई वाह वाह भाई वाह, हाय हाय हाय, चॉकलेटी कटाकट बना दिया है कुछ। वाह भाई वाह, चॉकलेटी कटाकट, इसका नाम मैंने रख दिया नया, चॉकलेटी कटाकट। वाह वाह, क्या चम्मच चल रहा है, वाह 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 भाई वाह वाह, मजेदार आए है, नहीं करो ओ। ये चॉकलेटी कटाकट तैयार हो गया है,
अब हम इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई इसका टेस्ट कैसा है। मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर प्लेट के अंदर, ये देखें। वाह भाई वाह, कमाल हो गया, चीजें आ चुकी है सामने। नमान भाई यार जल्दी खत्म, जल्दी करो, जल्दी करो। तैमूर भाई स्टार्ट के चक्कर आप क्या कह रहे हैं? बस जल्दी जल्दी भाई चले, अब हम खा रहे हैं, खाते हुए बात करते नहीं है। इधर आ जाओ, तुम भी इधर आओ, इधर आओ। आसिफ भाई आ गए, ये इसके साथ जिसका दिल चाहेगा वाइल्ड राइस है। मैं आसिफ जो चाहेगा मैं खाऊंगा, ये बात। चले अब हम खाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा, भी नहीं बताएगा सब कुछ। रायता भी देखे मैंने बनाया, अरे रायता भी बनाया आसिफ भाई ने, ये रायता भी आसिफ भाई ने बनाया भाई, ये देखे कमाल हो गया। बस कट कर दे, कट कर दे, अभी बात नहीं करूंगा। चमचा भी आपने बनाया? नहीं भाई, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कोई धमाका हुआ है, लेकिन धमाका नहीं हुआ है, ऐसी की तैसी कर दी है सबने मिलके। ये तो खैर हम तीन बंदों की हड्डियां, किस किस केस में आधी मेरी आधी दबाई है, ये हम तीन बंदों के आसिम भाई मेरे, और लेकिन जो बात है कैसा लगा टेस्ट मान रही आसिम भाई? 110% ओके ओके की रिपोर्ट है। ओके यार मैं तो कह रहा हूँ आप एक अपना रेस्टोरेंट खोल लें, क्योंकि ऐसा टेस्ट सीरियस बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे भी नहीं है। आसिम भाई कसम से बहुत मजा आ गया। अहमद कैसा लगा टेस्ट? बाकी जिंदगी में पहली दफा खाया ऐसा, और जिंदगी में पहली बार तो ऐसा खाया इतना ले खाया है, लेकिन टेस्ट ऐसा नहीं मिला। मतलब काली मिर्च में जो बना हुआ था ना, हाँ ये सबसे बड़ी बात ये कि मसाला कोई नहीं है, ये बात जुबैर भाई और तैमूर भाई का आसिफ भाई कहती हूँ। ये आसिफ भाई कैसा लगा टेस्ट? बहुत जबरदस्त वीआईपी। तो टाइम बनाया किसने थे? आसिफ भाई ने। आसिफ भाई ने हाथ काट दो, हाथ काट दो भाई। ये देखे जरा, इनको बना के खिलाया, वो हस्ती में सांप पालने वाली मिसाल है। अब बोला है कि हाथ काट दो। आसिम भाई ने कहा था कि जो खाएगा मेरी उंगलियां चाटेगा, मैं जरूर चाटना चाहूंगा, क्योंकि वाकई में बहुत जबरदस्त टेस्ट था। तो ये देखें, जाते जाते यही कहना चाहूंगा, 6 से 4 और 6 से 4 रह गई है चाय। आसिम भाई ये भी आप बना के पिलाओगे? चाय भी बहुत जबरदस्त मिलती है। कुछ कहना चाहेंगे मम्मी? चाय पी के बताते हैं। ओके भाई, 6 से 4 और 6 से 4 आसिम सन्नाटा भाई ने चाय भी अपने हाथों से बना के पिए। अचानक उनकी कॉल आ गई थी तो जरा कहीं गए मसरूफ हैं, तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। डिनर हो गया और बहुत मजेदार डिनर था, मजा आ गया। पूरी न्यू टैलेंट की टीम जो है खा के सुस्त हो गई है। ये देखो ये भी चाय लेके बैठे हुए बिल्कुल, मतलब कहने का ये कि बिल्कुल ही खत्म हो गए, एंड हो गए। हिम्मत नहीं है बोलने, हिम्मत नहीं है बोलने की। वो देखो एक बंदा हमारा लेट गया वहां पे, वो तो कह रहा है खैर। बड़ा मजा आया आसिम भाई, दोबारा मुलाकात होगी सन्नाटा भाई इंशाल्लाह, नेक्स्ट दावत पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। एक दावत आपने दी थी, एक दावत हम आपको देंगे, और बड़ा मजा आएगा। इसी तरह देखते रहे, ब्लॉग देखते रहे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, न्यू टैलेंट को सब्सक्राइब करें, रिजवान खान को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें जी। मुझे भी तो सब्सक्राइब करें, आपको भी सब्सक्राइब करें, नौमान मलिक को भी सब्सक्राइब करें, आसिम सन्नाटा भाई को भी सब्सक्राइब करें, और तैमूर अली को भी सब्सक्राइब करें। अगर नहीं कर रहे तो घर जाके कुछ ना कुछ करते हैं इनको। खैर कहने का मतलब ये, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आई लव यू, अल्लाह हाफिज़।